हेलो गाइस, तो जांच करने के बाद ये है हमारा गियर फिट टू प्रो, देखिए। और इसका ये है वॉच फेस, और आपको उसको चेंज करने के लिए उसको प्रेस करके होल्ड करके रखना पड़ेगा और उसको इसे साइड बाय साइड करना पड़ेगा। ये सब वॉच फेस प्रीलोडेड है गाइस, और आप ये जो है ये मैंने डाउनलोड किया है सैमसंग के एप्लीकेशन से, और अंदर से देखते हैं गाइस। गाइस ये देखिए, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन अंदर देखिए, ये सेटिंग्स आपको दिख रहा होगा। सेटिंग्स अंदर डिस्प्ले है, और डिस्प्ले अंदर वॉच फेसेस है। यहाँ पर भी आप वॉच फेस चेंज कर सकते हैं इसे, और ये बैक बटन है, बैक जाते हैं। और यहाँ पर वॉच के ये अच्छा फीचर्स दिया हुआ है, वॉच ऑलवेज ऑन। तो इसको ऑन करने से आपका वॉच जो है बिल्कुल ऑन रहेगा 24/7, और इसको करने से आपका बैटरी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। और इसके बाद नोटिफिकेशन इंडिकेटर यहाँ पर है, और ब्राइटनेस यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए ये ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कम कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप बैटरी सेव करने के लिए 2 पे डालिए या 3 पे डालिए ब्राइटनेस, तो अच्छा रहेगा। और आप वैसे भी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं गाइस, ऊपर से ऐसे करके यहाँ पर ब्राइटनेस करके यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये देखिए, तो अभी जाते हैं नेक्स्ट सेटिंग पर। डिस्प्ले के अंदर ही है नोटिफिकेशन, फिर ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम आउट, उसको आपको सेट करना है 15 सेकंड पे जो आपको प्रीलोडेड हुआ, और 30 सेकंड मैंने किया हुआ है ताकि थोड़ा देर के लिए वो ऑन रहे, तो ये सब आपको नोटिस करे कि आप एक प्रीमियम वॉच पहन रहे हैं। और ये फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप, देखिए डिफॉल्ट फॉन्ट पे मैंने रखा हुआ है, आप चाहे तो ये 3-4 प्रीलोडेड फॉन्ट्स है जो आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, लार्ज, स्मॉल और मीडियम। मीडियम पे मैंने रखा हुआ है, सेट किया हुआ है इसको। और देखते हैं बाकी क्या क्या है डिस्प्ले के अंदर, इतना ही है। वाइब्रेशन आप कर सकते हैं, वाइब्रेशन ऑन है यहाँ पर, यहाँ पर कॉल्स और नोटिफिकेशन के लिए इसको आप ऑन कर सकते हैं। गाइस देखिए, इसके बाद वाइब्रेशन बाद डिवाइस में जाइए, डिवाइस में डबल प्रेस करने के लिए ये साइड में होम की है, ये होम की, ये बैक की है, यहाँ पर देखिए ये होम की, ये बैक की। और आप चाहे तो वेकअप गेस्चर जो आपको हैंड रिस्ट से वेकअप करेंगे तो आपको टाइम दिखाएगा, वो भी ऑन कर सकते हैं, ऑफ करते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब भी है, आप यहाँ से भी डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी है डेट एंड टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इतना ही है डिवाइस के अंदर। कनेक्शन में जाइए, नेक्स्ट चलते हैं कनेक्शन के पास। कनेक्शन में है ब्लूटूथ, वाईफाई, ऑल अलर्ट करेगा, लोकेशन भी है यहाँ पर जो आपको वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, जीपीएस कनेक्टर। और इसमें जीपीएस इनबिल्ट है गाइस, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस ब्रांड का। और वाईफाई भी इनबिल्ट है और ब्लूटूथ भी इनबिल्ट है, और आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं उसको ब्लूटूथ के द्वारा, और वाईफाई से वो डाटा सिंक करेगा आपको मोबाइल पे जो एप्लीकेशन है उसी से। जैसे देखते हैं स्क्रीन लॉक की, तो स्क्रीन लॉक में डालिए, यहाँ पर आप पिन डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फीचर है। जब तक आप ये देखिए पिन मैंने सेट कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने 1 2 3 4, और नेक्स्ट ये देखिए 1 2 3 4, अभी पिन सेट हो गया। ये देखिए कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिक पिन आपको लॉक हो जाएगा स्क्रीन। जब तक आप हाथ में इसको पहने रहेंगे तो पिन ही मांगेगा, जब तक हाथ में उसको निकालेंगे आप तो पिन ऑटोमेटिक मांगने लगेगा। देखिए कुछ देर के बाद वो पिन शो करेगा। देखिए गाइस, जो भी यहाँ पर एक लॉक का सिंबल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैंने डाल रहा हूँ यहाँ पर पिन, सॉरी ये रैंडमली एंटर हो गया, 1 2 3 4 पिन है। अभी देखिए पिन, तो उसके जाते हैं उसी में, सॉरी गाइस वहां पे गलती से दब गया। तो यहाँ पे देखिए फिर से जाते हैं सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर जाके स्क्रीन लॉक पे जाते हैं, फिर से देखिए पिन मांगने लग रहा है गाइस, क्योंकि मैं हाथ में पहना नहीं हुए। और पिन डालते हैं 1 2 3 4, और उसके जाते हैं फिर से सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने के बाद स्क्रीन लॉक में जाते हैं,
पिन लगने के बाद पिन टाइप को हम उसको डिसेबल करने के लिए फिर से डालना पड़ेगा और पिन यहाँ पर है इसको बैक करने होगा और यहाँ पर नॉन डाल देंगे तो नॉन हो जाएगा। और पावर सेविंग मोड है, जब भी आपका बैटरी 15% से कम होगा वो ऑटोमेटिक पावर सेविंग मोड में जाएगा और आप ये चेक कर सकते हैं। और प्रोफाइल देखिए, प्रोफाइल आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पूरा डिटेल्स आपका दिखाएगा और आपको अलर्ट टाइम यहाँ पे दिखाएगा कितने टाइम आप स्टिल बैठे हैं कोई जगह पर। और यहाँ पर आप सेट भी कर सकते हैं कितने बजे से कितने बजे तक वो आपको टाइम शो करेगा यहाँ पर। और वर्कआउट डिटेक्शन करेगा, वर्कआउट बहुत सारे वर्कआउट्स है यहाँ पर, तो देखिए साइकिलिंग है, हार्ट बीट ट्रेनर के लिए है, रोलिंग मशीन है, डायनामिक वर्कआउट है, तो बाद में देखते हैं ये सब। हेल्थ नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स कितने चले आप, फ्लोर कितने क्लाइम किए आप और एक्सरसाइज क्या क्या किए, स्लीप कितना टाइमिंग सारे कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक हार्ट रेट का फीचर्स है गए तो ऑटोमेटिकली ये आपको फ्रिक्वेंटली हार्ट रेट मेजर करता रहेगा। और उसके बाद ये कुछ डिटेल आपका जो बैंड है उसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद देखते हैं कनेक्टर म्यूजिक, इतना ही फीचर्स दिया गया है इसमें, बाकी सेकंड में चलते हैं म्यूजिक प्लेयर। म्यूजिक प्लेयर जो है आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड है, मेरे ब्लूटूथ से कनेक्शन नहीं है अभी, तो इसी बार ब्लूटूथ यहाँ पर आप म्यूजिक ऑन कर सकते हैं या इसी ऊपर से किसके भी या म्यूजिक ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप फोन से भी कर सकते हैं, ये उसका इंटरनल में कुछ दिए गए हैं म्यूजिक जो भी आप डाल सकते हैं। उसका 4GB का मेमोरी है, 512MB का रैम है, उसी के अंदर आप म्यूजिक डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड क्या है, 24 आवर लॉग में देखते हैं आप क्या क्या दिन भर में करते हैं, पूरा यहाँ पर आपको वो शो करेगा। और एक्सरसाइज मोड में देखते हैं, एक्सरसाइज में आपको वर्कआउट कितने टाइम करके पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा आपको। और स्टेप्स काउंट करेगा, यहाँ पर मैंने चला है 6000 स्टेप्स, तो पूरा यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है गाइस। और फ्लोर कितना काम किए यहाँ पर पूरा डिटेल्स आएगा। और भी एक तरीका से आप उसे देख सकते हैं इसे साइड बाय साइड करके, ये देखिए ये कितना स्टेप्स, अभी 12 बजे के बाद वो जीरो हो गया है और अभी 16, ये आपका हार्ट रेट सेंसर है। और ये फ्लोर कितना क्लाइम किए और कितना वर्कआउट टाइमिंग आपका दिखा रहा है, मैंने कुछ सुबह कुछ चला था तो इसलिए 37 मिनट का वर्कआउट दिखा रहा है। और ये आपका आज का टेम्परेचर दिखा रहा है। और देखते हैं बाकी क्या स्पेक है इसमें। और देखिए पानी वाटर जो है, वाटर कितना है डेली, कितना आप ग्लास पीते हैं यहाँ पर ऐड करते जाइए, वो दिखा देगा कितना ग्लास आप पानी यूज किए हैं। और ये अच्छा फीचर्स है, फाइंड योर फोन, अगर आपको फाइंड फोन कनेक्शन होगा मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा तो इसमें आपको मोबाइल अगर खो गए कहीं पर रख दिए भूल गए तो इसमें आप उसको सर्च कर सकते हैं। और ये देखिए उसको मैंने कनेक्ट नहीं किया अभी। और ये टाइमर है, टाइमर सेट कर सकते हैं आप। और ये देखिए स्टॉपवॉच भी दिया हुआ है, स्टॉपवॉच कर सकते हैं आप। और ये स्केड्यूल टाइम जो है यह सब आपको दिखाएगा यहाँ पर। और वेदर चेक कर सकते हैं यहाँ पे, आज का वेदर जो है यहाँ पर चलते हैं। और कैलोरीज कितना बर्न की दिखाएगा आज, मैंने 21 कैलोरी बर्न किया है आज दिस वीक में। और फूड के लिए यहाँ पर दिखाएगा गाइस, यहाँ से नोटिफिकेशन बन रहे, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन साइड करके चेक कर सकते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन आपको आया है, ये सब चेक कर सकते हैं।